बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में नक्सलियों से संबंधों के चलते जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए ने छापेमारी की है, जिसके तहत गया और भभुआ में उनसे और उनके जुड़े 5 लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए को शक है कि मनोरमा देवी नक्सलियों को हथियार और पैसा मुहैया कराती हैं। बता दें, गुरुवार को एनआईए की टीम सुबह 4 बजे से ही मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर मौजूद थी। लगभग ये कार्रवाई 20 घंटे तक चली। एनआईए को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। सूत्रों के मुताबिक घर से इतनी नकदी बरामद हुई कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। बाद में एनआईए ने बताया कि कुल 4,03,00,000 रुपए नगद, 10 अलग अलग तरह के हथियार और कई दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए ने 20 घंटे तक छापेमारी की, जिसके तहत उन्हें 4 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई और कई 10 तरह के हथियार भी।